हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि अपना स्टेटस कैसे चेक करो और उसके बाद कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी आती है, कैसे उसको देखना है, क्या मैसेज आता है जब आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है और किस त्रुटि की वजह से स्कॉलरशिप नहीं आती है, इस कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। बस आप लोग एक पॉइंट को समझते चलो मेरे भाई। देखो, अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस कैसे चेक करें, तो जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डालोगे, उसके बाद लॉगिन करने के बाद मेरे भाई, आपके स्क्रीन के दाएं कॉर्नर पर आपके नाम और आपके महाविद्यालय के नाम के ऊपर लिखा रहता है अपना स्टेटस चेक करें, वहाँ पे क्लिक करके अपना स्टेटस देख सकते हो। स्टेटस में क्या देखना, ये इस वीडियो में जान लो मेरे भाई, ठीक है। चलो, उसके बाद मैं ये भी दिखाऊंगा कितनी स्कॉलरशिप आती है। चलो ये देखो, इसको समझने के लिए सबसे भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट यही सब है। देखो, दो कॉलम तक तो आपको आपका जो काम रहता है क्या, रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट आप कब कर रहे हो इसमें ये देख लो, उसके बाद फाइनल सबमिशन आप कब कर रहे हो, तो 16 तारीख को देखो ये इन्होंने कम्प्लीट किया था। ये जो है कि 20/21 का स्कॉलरशिप अपडेट है मेरे भाई। अभी आपका जो रजिस्ट्रेशन जल्दी शो होने लगेगा वो स्टेटस, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है मेरे भाई, दो कॉलम आप कंप्लीट करते हो, उसके बाद जो सब काम है वो है कॉलेज वालों का और इंस्टीट्यूट वाले का, ठीक है। तो देखो, थर्ड पॉइंट है स्टेटस एट इंस्टीट्यूट लेवल। देखो ये कब फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको आप लोग देखते रहो। अच्छा, ये जो है इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, इससे अपना मैच करते रहना जब भी स्टेटस चेक कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि इनकी स्कॉलरशिप आई हुई है, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें अगर कोई भी त्रुटि लगे आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में इससे मिलाते हुए, तो जो है अपने कॉलर से कॉन्टेक्ट करना। देखो, थर्ड पॉइंट हो गया ये कब फॉरवर्ड करें, इसको आप मिलाते रहना। उसके बाद अकाउंट जो है वेरिफिकेशन स्टेटस, ये कभी कभी इसको जो है कि वेरीफाई हो भी जाता है, नहीं तो ब्लैंक ही रहता है, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी देखो, इनका स्कॉलरशिप आई है। देखो, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पांचवा, वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर। देखो, इसको आपको देखना है कि ये लोग कब वेरीफाई कर रहे हैं आपके डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है। इसको यदि ये लोग नहीं करते तो अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट करो एक महीने बाद, ठीक है। जैसे ही आपका जो ये फॉरवर्ड होने के एक महीने बाद अगर रजिस्ट्रेशन ये नहीं होता है, तो कुछ भी इसमें अपडेट लिखता है यहाँ पे, अगर डेट नहीं अनाउंस होती है, तो अपने कॉलेज से जो है कि वो कॉन्टेक्ट करो मेरे भाई, ठीक है। और करेंट स्टेटस इंपॉर्टेंट है, यदि आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है तो देखो इस टाइप का मैसेज आएगा, नहीं तो कोई भी त्रुटि है तो करंट स्टेटस में आपको बताया जाएगा, तो उसको अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट करके उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। वैसे अगर आपका ये पांचों पॉइंट भैया हो गया है, करेक्ट है, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, तो समझो स्कॉलरशिप आएगी ही आएगी, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यूपी बीएड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल स्टूडेंट। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, यूपी बीएड से कर रहे हो, तो मेरे भाई मैं आप लोगों के लिए क्लास भी स्टार्ट कर दिया हूँ, और हाँ उसमें मैंने सिलेबस भी डिस्कस कर दिया और फर्स्ट पेपर की वीडियो भी अपलोड कर दिया हूँ। तो जाके वहाँ पे देखो, डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ से भी आप लोग वीडियो को देख सकते हो, सभी वीडियो को, नहीं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ से सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हो, ठीक है। देखो, स्कॉलरशिप तो आएगी, ये तो 100% है, जो अगर आपका फॉर्म सही है तो, ठीक है मेरे भाई, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके चक्कर में अपना फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास मत खराब करो, तो भैया जो जाके अपना क्लास अटेंड करो, और हाँ चैनल पर नए हो तो जुड़ जाओ, पहले से हो तो आप तो चैनल के प्यारे मेंबर हो ही मेरे भाई। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं यही आशा करता हूँ कि भैया सबकी स्कॉलरशिप आए, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।